नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश, और खबरों की शुरुआत करते हैं अभी तक की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री से कई मुद्दों पर चर्चा कर राजधानी लौटे मुख्यमंत्री शिवराज, कहा जल्द होगा कैबिनेट विस्तार। और मुख्य सचिव एंटोनी डिसा ने विश्व हिंदी सम्मेलन की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों से की चर्चा। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके निवास पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र पोषित योजनाओं के युक्तियुक्तकरण करने के लिए नीति आयोग द्वारा गठित उप समूह की सिफारिशों से अवगत कराया और संपूर्ण रिपोर्ट को प्रस्तुत करने पर चर्चा की। मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि गठित उप समूह का कार्य पूरा हो गया है। सभी सदस्य से सिफारिशों पर सहमति आने के बाद ही प्रधानमंत्री को उप समिति की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सिंहस्थ की तैयारियों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 मई 2016 को वैचारिक कुंभ के समापन के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा नीति आयोग के सब ग्रुप की अनुशंसा के संबंध में भी चर्चा हुई है। विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन भोपाल में 10 सितंबर से किया जाएगा। 3 दिवसीय 10वां सम्मेलन 12 सितंबर तक लाल परेड मैदान में होगा। मुख्य सचिव एंटोनी डिसा ने सम्मेलन की तैयारियों संबंधी उच्च स्तरीय बैठक ली। डिसा ने निर्देश दिए कि सम्मेलन के पहले शहर को सुंदर बनाने का काम कर लिया जाए, साथ ही सड़कों का संधारण भी हो। राजस्व एवं पुनर्निवास एवं जिले के प्रभारी मंत्री रामपाल सिंह ने जनपद पंचायत आष्टा में निर्माण कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण, जल संसाधन, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास के कार्यों की भी समीक्षा की। महिला बाल विकास मंत्री माया सिंह ने कहा है कि बच्चे को सुपोषित बनाने के लिए माँ का दूध जरूरी है। बच्चे के जन्म लेते ही अगले 6 माह तक उसे सिर्फ माँ का दूध मिलता है तो वह सारी उम्र स्वस्थ रहेगा। मंत्री माया सिंह ने विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त तक पर जारी अपने आदेश में एकीकृत बाल विभाग सेवा से जुड़े सभी कर्मियों से अपील की है कि वे सप्ताह के दौरान प्रभावी ढंग से यह संदेश जन जन तक पहुंचाएं कि माँ का दूध नवजात शिशु के लिए कितना जरूरी है। एमपी लाइव के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए MS TV। नमस्कार।